नौजवान असल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। मुसलह अफवाह दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। पाकिस्तानी आवाम की हिफाजत और सलामती पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ का 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरका को मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला सुना दिया। हमें साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी चाहिए, न अपीलों पर एतराज है। नया प्रोसिक्यूटर का अदालत में जवाब। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सरबराही में यही दो रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत भी करेगा। सैफा केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल देने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। पीटीआई वक्त के बाद लीगी रहनुमा फरन दस्तगीर की मौलाना से मुलाकात। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की भी मौलाना के घर आमद। मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जेयूआई सरबराह से उनकी खुश दामन के इंतकाल पर ताजियत भी की गई। पाकिस्तान से अफगान पनाह गुजीनों की बरतानिया मुंतकली का मामला। इस्लामाबाद से 132 अफगान पनाह गुजीनों को लेकर पहली खसूसी परवाज बरतानिया रवाना। मखसूस कैटेगरी के अफगान पनाह गुजीनों की इमिग्रेशन के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अलहदा काउंटर कायम किया गया। और वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की मायूस उन कारकर्दगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा किया। दिफाई चैंपियन को 5 से 4 मैचेस में शिकस्त हुई।